हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विकास विजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अकाउंट्स गुरु एंड दिस इज माय पीक परफॉर्मेंस एट जीडी गोयनका ककरडूमा। सो जस्ट फ्यू ग्लिम्स आउट ऑफ दिस वर्कशॉप। आप इसको जो टोटल अकाउंटेंसी की परसे प्रणय आज तक आपको ये नहीं पता था कि कौन सा चैप्टर नहीं आता। सबको बस ये अकाउंट्स में प्रॉब्लम है कि मुझे अकाउंट्स नहीं आती, बट नाउ आई एम गिविंग द क्लैरिटी कि यहां पर आपके ये चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, यानी ये आपके ग्रीन जोन में है। ही इज वेरी कंफर्टेबल विद दिस चैप्टर, फाइन। अभी जो ऑरेंज स्टेज पे है, जहां थोड़ा कच्चा पक्का आता है, वो है इनके ये चैप्टर। और ये चैप्टर बहुत सिंपल है, डिसोल्यूशन है, एडमिशन है, हाँ, फंडामेंटल टफ है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिडम्पशन। और ये पहले हम इन पे काम करेंगे, इस पे नहीं काम करेंगे। पहली बार आपको ये सिखा के जा रहा हूं, ऑल द फाइव सब्जेक्ट्स, व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन दोस टॉपिक व्हिच आर सेमी फिनिश। व्हाई? एज अर्ली एज पॉसिबल यू हैव टू मेक दिस कॉलम ब्लैक। जितनी जल्दी हो सके इसको खाली छोड़ना, इसको जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन होगा, सिर्फ ये 2 घंटे में होता है, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे में खत्म होता है। हम यहाँ से डिसोल्यूशन को इसको यहाँ ले आएंगे। फंडामेंटल अभी नहीं करेंगे, एडमिशन कर पाएंगे हम, डेथ कर लेंगे 5 क्वेश्चंस करके। रिडम्पशन डिबेंचर वेरी वेरी सिंपल बिकॉज इज लमसम एंड बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया। और इश्यू डिबेंचर 5 टॉपिक है, 2 टॉपिक सैम्पल पेपर में है और 3 टॉपिक और बचे। ये भी हमारा हो जाएगा विद इन अ डे, अगर आपको सेमी फिनिश है हो जाएगा। यानी इनमें से मैं यहाँ से अभी अगर आप जो टेक्निक अभी बताने वाला हूँ उससे हम इनको बहुत जल्दी यहाँ ले आएंगे। इसको नहीं कह रहा फंडामेंटल, मैं नहीं कह सकता अभी, फंडामेंटल टेक्स टाइम। ये क्या हुआ है, मेजॉरिटी में इसको अगर 5 डेज आप ये करते हैं, इस 5 डेज टेक्निक जो मेरी मेन टू मेन टेक्निक के बाद है, ये सारे चैप्टर आपके यहाँ होंगे। मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता फंडामेंटल की, बिकॉज फंडामेंटल करने के बाद भी लगता है शायद अभी कुछ रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। वो फंडामेंटल आप आधा भी सॉल्व करके आएंगे ना, तो यू विल गेट मे बी 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे आराम से, फाइन। बात करते हैं इसकी, रिटायरमेंट इज सिमिलर टू एडमिशन, तो हो सकता है चॉइस आ जाए। पहली बात कंफर्ट जोन, दूसरी बात रीवेल अकाउंट सेम है, पार्टनर्स कैपिटल सेम है, बैलेंस शीट सेम है। फर्क क्या है, गुडविल की एंट्री, यहाँ गुडविल की एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग, यानी ए सी टू बी, यहाँ पे प्रीमियम मेथड नहीं लाया हुआ है। तो बहुत सिंपल है, ये पॉसिबल है, कर सकते हैं इसको, फाइन। तो इसको मैं सीधा वहां नहीं जाएगा, ये पहले ये कहाँ आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में रहा है। तो कोई भी चैप्टर को आपको पहले किस पे वर्क करना है, वर्क इन प्रोग्रेस, किस पे उसको एज अर्ली एज पॉसिबल, कहाँ छोड़ के आना है, फिनिश में। और उसके बाद मुझे यहाँ से यहाँ टॉपिक लेके आ रहा है एक ही करके, फाइन। और लास्ट में है शेयर्स, शेयर्स और फंडामेंटल, 2 ऐसे चैप्टर जो टाइम लगेगा। तो मैं रिटायरमेंट पे तो काम कर सकता हूँ जल्दी, बट हाँ ये 2 टॉपिक मुझे परेशान करने वाले हैं, शेयर्स और ये। और ये वाकई ही हॉट क्वेश्चन है, यानी 8 मार्क का ये है, फंडामेंटल 6 मार्क का है, 14 मार्क। बट अभी अगर 66 मार्क का आपका जल्द से जल्द इस 5 डेज में हो जाता है, आई थिंक 66 + 20 = 86 इज वेरी वेरी गुड मार्क, अगर अभी प्री बोर्ड में हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये 2 टॉपिक हमें और भी अच्छे से बैठ के इंडिविजुअली आपको गाइड कर सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, वो आप टीचर के साथ बैठ के कर पाएंगे, फाइन। प्रणय कैसा लग रहा है आपको, कंफर्टेबल है? सेम विद मैथ, सेम विद इकोनॉमिक्स, प्लीज हैव योर ओन रिविजन शेड्यूल बोर्ड, अपना मॉडल बना के चलो, वो हेल्प करेगा। अब आपको इमेज बन गई है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा वीक, फाइन। सो आई होप यू लाइक इट। My name is Vinayak Agarwal and I'm from GD Goenka School, Kakaduma. The whole workshop had been really enriching for us. It not only helps us to realize what to do in our exams, but prepare ourselves for future exams as well. And therefore, I would like to thank sir for his enormous experience that he helped us. My name is Madhudra from GD Goenka School. My experience from sir has been amazing, and things I learned which I hadn't before were other than academics, were staying out of pressure. And systematic studies and systematic studies with and Marxist studies now at such a crucial moment. And I thank you and I thank sir for everything he has done for us.